हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका IAS PSC सॉल्यूशन में। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु। देखिए, इस वीडियो में मैं भौतिकी का पहला पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें हम टॉप 1000 MCQ देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, और भौतिकी से या आपका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबसे हमारा 1000 MCQs का सीरीज चल रहा है। ये भौतिकी का पहला पार्ट है हमारा। और दोस्तों, सॉरी, मैं बहुत दिन से जो है वीडियो नहीं बना रहा था, लगभग एक सप्ताह से वीडियो नहीं बना रहा था। अचानक जो है मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं स्वस्थ हूँ। अब जो है वीडियो आपके पास लगातार आते रहेगा। और देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देना है कि मुझे एक मैथ के लिए एक फीमेल टीचर की ज़रूरत है। यदि आपके इन कांटेक्ट में कोई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो हमारे कमेंट में आप लिखिए, अगर कोई आपके पास है फीमेल टीचर मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, तो ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई हो तो आप वो जो है हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये जो है स्पेशल हमारा रेलवे के लिए सीरीज जो है वो चल रहा है। ALP टेक्नीसियन ग्रुप डी, या जो भी और वैकेंसी आने वाली है रेलवे के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया था न्यूटन ने, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो दिया था न्यूटन ने, याद रखिएगा। ये ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। और देखिए, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ग्रहीय गति जो है, जैसे ये कोई आपका ग्रह है, ठीक है, ये ग्रह जो है वो गतिमान है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो है ग्रहीय गति का जो नियम है, ये किसने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रहीय गति का जो नियम है, ये दिया था केपलर ने, ठीक है। केपलर ने दिया था ग्रहीय गति का नियम। अब देखिए, ग्रहीय गति की खोज किसने की थी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं कि ग्रहीय जो गति है, ये जो ग्रहीय गति है, इसकी खोज किसने की और गति का नियम किसने दिया, इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो है खोज जो है वो किया था कॉपरनिकस ने, और इसका जो नियम है वो दिया था केपलर ने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, दूरबीन की खोज जो है वो की थी गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार। अब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको चुनना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होगा, चाहे कोई भी बॉडी हो, उसका भार जो है वो पृथ्वी के सभी स्थान पर समान होगा। क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये सही है। ध्रुव पर किसी भी बॉडी का जो भार है वो अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट, देखिए इसमें पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में है तो उसका जो भार है वो लिफ्ट में कब ज़्यादा अधिक हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें है इसका आंसर जो है वो है ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें, मतलब कि ऊपर से जब लिफ्ट जो है, लिफ्ट मान लिया कि ये लिफ्ट है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति है, इसमें कोई व्यक्ति है। अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की ओर अगर त्वरित कर रहा है, गमन कर रहा है, तो इसमें जो है इसका वेट ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जल से भरा गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये मान लिया कि एक गिलास है, ये एक गिलास है, ठीक है, ये हम लोग मान लिए एक गिलास है, और इसमें पानी है, पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, और इसके नीचे जो है ये जो है ये है आपका एक पेपर, ठीक है, एक कागज है, पेपर है।
अब कह ये रहा है कि ये जो पेपर है ये खींचा जाता है और पानी जो है नहीं छिड़कता है, एक बूंद भी पानी नहीं गिरता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको पता करना है कि क्यों जो है वो पानी ऊपर से नहीं गिरा, क्यों नहीं छिड़का। ठीक है, तो इसका कारण है जड़त्व। ठीक है, ये जो है वो जड़त्व के गुण को दर्शाता है कि बिना पानी गिरे ही पेपर जो है वो आप खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए किसी वस्तु का वह गुण, देखिए किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, जड़त्व किसको बोलते हैं ये क्लियर हो गया। जड़त्व जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनर्सिया। ठीक है, इनर्सिया। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि चाहे कोई भी वस्तु है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जो भी उसकी स्थिति है उसको बनाए रखना चाहता है, उसी को बोला जाता है इनर्सिया, जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो, एक समान बल जो है वो एक ही अवधि के लिए लगे हो, तो ये जो पिंड है यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को, एक भारी है और एक हल्का है, चाहे कोई भी वस्तु है। ठीक है, अब इस पर एक समान जो है वो फोर्स लगाया जाता है, दोनों पर, भारी और हल्का, हल्की जो भी वस्तु है उसके ऊपर समान दोनों पे बल लगाया जाता है एक ही अवधि के लिए। ठीक, तो ये जो पिंड है वो क्या होगा, एक समान वेग से गतिमान होगा, एक समान संवेग से गतिमान होगा, एक समान त्वरण से गतिमान, या उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें आपको चुनना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें है एक समान संवेग से गतिमान होगा। ठीक है, एक समान संवेग से गतिमान होगा, चाहे वो भारी हो या हल्का, दोनों पिंड पर अगर समान बल लगाया जाता है एक ही अवधि के लिए तो ये एक समान संवेग से गतिमान होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सिद्धांत है ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। ठीक है, ये जो पिंड है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है वो गतिमान होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए चाहे कोई भी बॉडी है उसका जो वेग है वो दोगुना, ठीक है, टू टाइम्स होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, चार गुना हो जाएगी, या एक चौथाई रह जाएगी। आंसर है इसका चार गुना हो जाएगी। ठीक है, किसी भी पिंड का अगर जो वेग है अगर उसको हम लोग दोगुना कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो चार गुना हो जाएगी। एक बार फिर से इसको समझिएगा, वेग दोगुना होने पर, ठीक है, वेग अगर, वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी अगर टू टाइम्स हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगा फोर टाइम चार गुना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए किसी वस्तु में उसके गति के कारण, चाहे कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, और देखिए द्रव्यमान दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मान लिया कि वेट जो है, द्रव्यमान जो है वो दोगुना हो जाता है, ठीक है, दोगुना हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो दोगुनी हो जाती है। लेकिन संवेग जो है वो दोगुना अगर हो जाता है, संवेग अगर दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा जो है वो चार गुनी हो जाती है। ठीक है, संवेग अगर दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में, घड़ी में, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि घड़ी में जब हम लोग चाबी भरते हैं तो घड़ी में कौन सी जो ऊर्जा है वो संग्रहित होती है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखिए किसी भी वस्तु, इसका डेफिनेशन आप याद रखिएगा सिर्फ, किसी भी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जैसे कोई भी वस्तु है इसमें इसकी स्थिति स्थिति या आकार में, ठीक है, स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो जैसे मैं कह सकते हैं तनी हुई गुलेल, गुलेल जो है, गुलेल कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ऐसे रबड़ लगा हुआ होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, रबड़ होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तनी हुई जो गुलेल है ये, ठीक है, या घड़ी की कमानी हो गई, या पहाड़ पर, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर जमा हुआ जो पानी है वो, ठीक है। तो ये सब जो है वो स्थितिज ऊर्जा की के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फिसल ना जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो या अस्थायित्व में वृद्धि हो, मतलब कि स्थिरता में वृद्धि हो। यहाँ पे ऑप्शन चार दिया हुआ है कि जब हम लोग यदि पहाड़ पर, सब कोई पहाड़ पे कभी ना कभी चढ़े होंगे, तो पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति जो है वो आगे की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है, थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों झुकता है इसका कारण आपको बताना है। तो ये जो है वो स्थिरता में वृद्धि के लिए, ठीक है, अस्थायित्व में वृद्धि के लिए जो है व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। अब इससे भी रिलेटेड एक चीज देखिए, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, देखिए किसी भी, 1 मिनट, हाँ, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, जहाँ पे वस्तु का समस्त भार जो है वो कार्य करता है, चाहे वस्तु जो भी जैसी भी स्थिति में हो, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान, जिसको हम लोग ऊपर उपग्रह भी कहते हैं, से एक सेब, मतलब कि सेब या पिंड जो भी है बड़ी है, बाहर छोड़ा जाए तो यह इसकी स्थिति क्या होगी, ये आपको बताना है। मतलब कि परिक्रमा कर रहा है कोई भी उपग्रह, जो सैटेलाइट जो है वो छोड़ा जाता है यहाँ से, ठीक है। अब ये जो है वो परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब इससे कोई जो बड़ी है, कोई भी बड़ी है, यहाँ से छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस बड़ी का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो है पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा या कम वेग से गमन करेगा, अब इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये जो है यान के साथ ही उसी वेग में गमन करेगा, ठीक है, यान के साथ ही उसी वेग में गमन करेगा, इसको याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है, मतलब कि समुद्र का पानी जो है उसका घनत्व तो बढ़ता जाता है यदि क्या हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गहराई व खारापन घटता है, गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होता है, गहराई तथा खारापन कम होता है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होता है। देखिए गहराई और खारापन, ठीक है, ये दोनों यदि बढ़ते हैं तो समुद्र का पानी जो है इसका घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि समुद्र के पानी का, पानी के घनत्व के बढ़ने का कारण क्या है, गहराई, अगर गहराई दिया तो ये भी सही है, अगर खारापन दिया तो ये भी सही है, अगर दोनों दिया हुआ है, दोनों जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है गहराई व खारापन, तो इसका आंसर होगा गहराई व खारापन, ठीक है। नेक्स्ट है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होता है, मतलब कि ये नदी है मानकर चलिए, और ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है। अब ये जो है एक यान है, ठीक है, अब ये जो यान है ये यहाँ से समुद्र में जाता है, ये जो है ये नदी यहाँ पे समुद्र में मिलती है, और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, ये जब नाव है ये जब समुद्र में मिलेगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, या जलयान के निर्मित पदार्थों के अनुसार थोड़ा सा डूब या उठ जाता है। अब इसका जो आंसर है वो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। देखिए अब इसका कारण क्या है, देखिए नदी का जो पानी है ये है रिवर नदी, ठीक है, और ये है ओशन समुद्र, ठीक है। अब देखिए ये जो नदी का पानी है ये इसका जो घनत्व है वो कम है और इसका घनत्व जो है वो जो ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही नाव जो है जलयान जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये घनत्व ओशन का समुद्र का घनत्व जो है वो ज्यादा होने के कारण नाव थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है। यह इसका आंसर ऑप्शन है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की जो गेंद है वो पारे पर तैरती है, जस्ट यही इसी का कारण है ये भी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का ही कारण 12 नंबर का भी है, ठीक है। इस्पात की जो गेंद है वो पारे पर क्यों तैरती है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में नहीं डूबने देता, पारा द्रव रूपी एक धातु ही है, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव पर तैराया जा सकता है। देखिए इसका जो आंसर है वह इस्पात की अपेक्षा पारे का जो घनत्व है वो अधिक है, ठीक है। तो सेम इसी का आंसर है ये, इसका जो घनत्व है, घनत्व देखिए किसी भी वस्तु का घनत्व अगर उस वस्तु से ज्यादा होता है तो वो जो वस्तु है कम घनत्व वाला वस्तु जो है उसके ऊपर तैरेगा, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, अत्यधिक ऊंचाई पर जो है अगर वायुयान उड़ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है, दाब बाह्य दाब के समान ही होता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, या सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। देखिए इसका जो आंसर है वो है वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो यंत्र है वो है बैरोमापी, ठीक है, बैरोमापी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे शरीर पे भी वो दाब जो है वो पड़ता है लेकिन हम जो है वो इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है, ठीक है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर रक्त दाब जिसको बोला जाता है हिंदी में, इसका जो दाब है वो हमारे वायुमंडलीय दाब से अधिक है इसलिए हम लोग इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी पिंड का अधिकतम भार, कोई भी बॉडी है उसका अधिकतम भार जो है वो किसमें ज्यादा होगा ये पूछा जा रहा है, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा, अधिकतम भार पूछा जा रहा है किसमें होगा किसी भी पिंड का, तो इसका आंसर है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में जो है वो किसी भी पिंड का अधिकतम भार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर, किसी भी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल जो है वो कैसा होता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, हाँ, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या एक समान रहता है, इसमें से आपको चुनना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए किसी भी झील में, कोई भी झील है, मान लिया ये झील है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब इसमें जो है एक पत्थर फेंका जाता है, अब ऊपर से एक पत्थर जो है वो फेंका जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये पत्थर जो है वो फेंका जाता है, अब पत्थर जो है वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे वो नीचे डूबता जाता है उसका उत्प्लावन बल जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए
इसका जो आंसर है वो है एक समान रहेगा, ठीक है। इसका उत्प्लावन बल जो है बॉडी का पत्थर का वो बराबर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। जैसे पारा जो है ये दो बूंद है पारे का, अगर इन दोनों को मिला दे तो ये एक बड़ा बूंद का निर्माण कर लेती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण आपको बताना है कि द्रव द्वारा क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना या अधिकतम आयतन बनाए रखना, इसमें से आपको चुनना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर है इसका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, ठीक है। द्रवों के द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा जो है पारा पर डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है, ठीक है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए, कांच के साथ पारे का असंजन की अपेक्षा जल का ससंजन अधिक है। अब देखिए, असंजन और ससंजन क्या है, जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखते हैं ससंजक बल, ठीक है। ससंजक बल किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को, ठीक है, आकर्षण बल को ससंजक बल कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब देखते हैं असंजक बल किसको बोला जाता है। अब देखिए, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य, दो अलग अलग टाइप के होंगे, दो अलग अलग टाइप के पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, एडहेसिव असंजक बल कहा जाता है, ठीक है। असंजक, ठीक है, असंजक को बोला जाता है एडहेसिव, ठीक है, और ससंजक बल को बोला जाता है कोहेसिव, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, इस बल के कारण, देखिए ससंजक जो बल है या असंजक जो बल है, असंजक बल, ठीक है, असंजक बल के कारण क्या होता है, कांच पानी को भिगोता है, कांच जो है कांच पानी को भिगोता है, ये याद रखिएगा। या ब्लैक बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर जो है वो उभर कर आते हैं किस बल के कारण, तो ये असंजक बल एधेसिव फोर्स के कारण, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। या पीतल के बर्तनों पर निकल की पॉलिश की जाती है किस बल के कारण, असंजक बल के कारण, एधेसिव फोर्स के कारण, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी मान, चलिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो लड़का जो है वो इधर की ओर, ट्रेन की ओर गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्यों, इसका कारण क्या है। मतलब कि फुटबॉल को जब हम नीचे पटकते हैं तो ये ऊपर उछलती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, उसके प्रत्यास्थ गुण के कारण। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक वृत्ताकार
ये वृत्ताकार है, प्लेट है, इसमें जो है एक बीच में वृत्ताकार छेद है, ठीक है, ये सर्कुलर एक छेद होल है इसमें प्लेट में। अब कहा जा रहा है कि इस प्लेट को हम यदि नीचे से गर्म करते हैं, नीचे से गर्म करते हैं, ठीक है, नीचे से गर्म करते हैं, तो ये जो इसका आकार है, होल का, छेद का जो आकार है, इसमें क्या होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है, कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, या पहले बढ़ेगा तत्पश्चात कम हो जाएगा। इसका आंसर है बढ़ जाएगा, ठीक है, होल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आंसर है इसका, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, इसके पश्चात जो है बढ़ना प्रारंभ करेगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा अभी तबीयत जो है वो पूरी तरह से उतना सही नहीं है, इसलिए मैं उतना कुछ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। खैर अब धीरे धीरे जो है वो सही हो रहा है, इसके बाद जो है वो धीरे धीरे हम स्पीड करेंगे, स्पीड अप करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, एक बीकर है, एक बीकर है और यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ये बर्फ जो है, बर्फ का टुकड़ा जो है इसमें तैर रहा है, ठीक है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहेगा, या पहले ऊपर उठेगा इसके पश्चात नीचे गिरेगा? ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी, पूर्ववत बना रहेगा, मतलब कि जैसा है वैसा ही बना रहेगा। मान लिया कि ये बीकर जो है ये पानी से भरा हुआ है और इसमें जो है ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। अब देखिए जब ये बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा है तो ये जो है यहाँ पे पानी नहीं था, इतना जो एरिया है बर्फ का टुकड़ा पहले ही लिया हुआ था। जैसे जैसे ये बर्फ का जो बर्फ जो है वो पिघलता है, इसका आयतन भी कम होते जाता है और पानी जो है वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण जो है वो पानी जस का तस बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जो है वो जीवित रहती हैं, इसका कारण क्या है? देखिए कोई भी झील है, इसमें जो है वो ऊपर से बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, इसमें नीचे मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ जो है वो जीवित हैं क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताना है। मछलियाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मछलियाँ नियत तापी जीव है, मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, या बर्फ ऊष्मा का उच्चतम चालक है। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, झील की जो तली है उस पर जल नहीं जम पाता है, झील का जो नीचे का तल है उसमें बर्फ नहीं जम पाता है, इसके कारण वहाँ पे पानी होता है, इसीलिए मछली जीवित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ये सारे के सारे द्रव्य हैं लेकिन इसमें ऊष्मा का बोला जा रहा है, हीट का चालक जो है वो सबसे बेटर कौन है? तो है पारा, ठीक है, पारा। पारा ये धातु है, धातु के श्रेणी में आता है पारा। नेक्स्ट है, निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण जो है, यहाँ संरचना लिखा गया है, संचरण होगा, ठीक है, संचरण, ठीक है, संचरण किस प्रक्रिया से होता है? देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। ये बल्ब है, विद्युत बल्ब है ये, ठीक है, मानकर चलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ ढंग का, आलू जैसा लग रहा है, ठीक है, और ये जो है ये तंतु होता है इस टाइप का, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ये तंतु है, ये ही जलता है, ठीक है, और इसके कारण जो है वो हीट जो है उत्पन्न होता है। अब कह रहा है कि इस हीट के कारण जो है ये जो है कांच जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, किस प्रक्रिया के कारण, क्यों, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये होता है विकिरण के कारण, ठीक है, विकिरण के कारण जो है ये गर्म होता है कांच, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, देखिए विकिरण क्या है, विकिरण को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए
विकिरण विधि में, इस विधि में ऊष्मा का जो संचरण है वो गर्म वस्तु, ठीक है, ये मान लिया कि हीट है, हीट वस्तु है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की, ठीक है, बिना किसी माध्यम की, कोई भी माध्यम नहीं है, बिना किसी माध्यम की सहायता एवं बिना माध्यम को गर्म किए, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में होती है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग माने तो हमारे पृथ्वी पर सूरज की जो ऊष्मा है वो आती है, ठीक है, पृथ्वी पर सूरज से ऊष्मा का आना ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और या रेगिस्तान जो है वो दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडी हो जाती है, या बादलों वाली जो रात होती है, बादल वाली जो रात होती है वो स्वच्छ आकाश की अपेक्षा जो है वो गर्म होती है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चन, आज मैं फिजिक्स का पार्ट वन लेकर आया था, कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं होगा मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो मैं कोशिश करूँगा जितना बेटर हो करने की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने जो कहा आप लोगों के लिए कि अगर कोई फीमेल टीचर हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।